शाहपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंदरगढ़ी के पास मंदिर में दूध पीने से 11 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की जानकारी के बाद अपर जिलाधिकारी समेत चीफ मेडिकल ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। वहां पर पूजा पाठ हो रहा था और दूध बच्चों को पिलाया गया, जिसके कारण उनको थोड़ी तकलीफ हुई और अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। सभी बच्चे स्वस्थ हैं और ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। कितने बच्चे थे? 11 बच्चे थे। सर बताया जा रहा है कुछ मिलाया हुआ था दूध में? क्लियर नहीं हुआ, देख लेंगे क्या। परिजनों का कहना है कि सावन के महीने में मंदिर में दूध बांट रहा था, जिसको पीने के लिए बच्चे मंदिर पहुंच गए, जहां सभी बच्चों ने दूध पिया, जिसको पीने से सभी बच्चे बीमार पड़ गए। हमने ये कि बच्चे इसके मामा के लड़के जो हैं विले का आए थे, जो तो उसके जो कामन लेकर आए थे उसको उसकी मम्मी गया ले चले गए वहाँ कामन लेने दुकान है, तो वहाँ बट रहा था दूध। बच्चों को तो क्या पता दूध बट रहा है, भंग बट रही है उसमें जी, तो बच्चों को उसके साथ साथ दूध पिला दिया, भंग पिलाइए। तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं लगभग? ये लगभग करीब 15-16 बच्चे हैं, 15-16 बच्चे, 10-11 यहाँ हैं और बाकी घर पे हैं। तो किसने दी थी दूध? मंदिर पे ही है जी, जो भी है। कौन पुजारी है? पुजारी तो नहीं दिखा, पुजारी भी तो साथ में वहीं बैठा था, पुजारी भी। अच्छा, और भी वहीं पे। बच्चों की हालत कैसी? बच्चों की हालत ज्यादा सीरियस में है थोड़े, अभी अभी तो नॉर्मल में नहीं है। हालांकि सभी बच्चों की हालत अब सही बताई जा रही है। बच्चों की हालत सही होने पर हापुड़ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।